every student, in the last video, we have discussed some processes. Two processes we have discussed. One, square root method. Second, quadratic equation formula. Now we are going to discuss on the questions. How we are to solve. कैसे उन्हें सॉल्व करना है, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था. तो आई होप वी हैव डन क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू वन का सेकंड. सो इन द फर्स्ट के सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट का फर्स्ट मैं आपको बता चुका था. सेकंड देखो, 5x² - 6x - 2 ये हमें क्या है, और इसे क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू है उस वैल्यू में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो इसे अगर 1 बनाना है तो होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से. सो डिवाइड बाय 5. अगर आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x² - 6/5 x - 2/5 = 0. ठीक है, मैं इस वाले फैक्टर को क्या रिराइट कर सकता हूं, x² - 2 × 3/5 x - 2/5 = 0. इस -2/5 को इधर लेके आओगे आप, ट्रांसवर्स करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा. ऑन ट्रांसवर्सिंग टू अपॉन फाइव, तो अगर 2/5 को ट्रांसवर्स किया तो ये क्या हो गया, -x² - 2 × 3/5 × x = 2/5. अब देखो मुझे इसे क्या बनाना है, इस वाले टर्म को होल स्क्वायर बनाना है. ठीक है, तो a² - b का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो वो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² ये होगा. तो यहाँ पर -2ab, अब देखो a तो आ गया ये, b आ गया ये, और 2 ये का 2ab, तो a का स्क्वायर x² तो b का स्क्वायर क्या होगा, 3/5 का स्क्वायर. तो ऑलवेज इस टर्म का हमें क्या करना है, स्क्वायर ऐड कर देना. तो ऑन एडिंग क्या ऐड कर रहे हो आप, ऑन एडिंग 3/5 होल स्क्वायर इन बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. देखो x² - 2 × 3/5 x + 3/5 होल स्क्वायर, और मैंने 3/5 इधर ऐड कर दिया, 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर ऐड कर दिया. तो यहां से ये क्या बन जाएगा, देखो x² इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, x - 3/5 होल स्क्वायर लिख सकता हूं. ठीक है, और ये क्या बन गया, 2/5 + 9/25. अब यहां पर फॉर्मूला क्या यूज किया था, बोलिंग टू a - b होल स्क्वायर, ये टर्म थी क्या, a² - 2ab + b. ओके, सो यहां से देखो नेक्स्ट क्या होगा, x - 3/5 होल स्क्वायर दैट विल इक्वल टू, इनका सम करोगे 25, यहां से ये कितना हो गया 10 + 9, बिकॉज 5 से ये डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 10 + 9 19 हो जाएगा. देखो x - 3/5 होल स्क्वायर, अच्छा ये दिखेगा नहीं आपको, मैं उधर लिखा हूं साइड.
देख क्या था, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 19/25। ये था, अब ये 19/25 है, ये x माइनस 3/5 होल स्क्वायर है, तो ऑन स्क्वायर रूटिंग स्क्वायर रूट करोगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट यहां पर फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू रूट ऑफ 19/25। ये हो जाएगा, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइड बाय 5, और ये हो जाएगा x माइनस 3/5। ठीक है, तो यहां से अब ये क्या बन जाएगा, x, अब देखो पहले प्लस लो और फिर माइनस, तो मैं पहले प्लस साइन ले रहा हूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये ले पॉजिटिव साइन, तो आप पॉजिटिव साइन लोगे यहां से, अगर मैं इस 19 वाले का पॉजिटिव साइन लूंगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस 19 रूट में और ये 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 3/5 इधर आएगा, तो रूट अंड 5 प्लस 3/5, दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 कॉमन है यहां से, 3 प्लस रूट 19। ठीक है, नेगेटिव साइन लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर आप नेगेटिव साइन यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से क्या होगा, x माइनस 3 माइनस रूट 19/5, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 19 रूट माइनस में है और माइनस का एक 3/5, एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैं इसे फिर से बताता हूं, समझो क्या करना, पहले आप डिवाइड करोगे 5 से, यहां पर जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, तो डिवाइड कर दिया 5 से, उसके बाद क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 और ये 2/5 इक्वल टू में 0, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसे रीअरेंज करके लिखा, मैंने 6 को 2 × 3 में ब्रेक कर दिया, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3/5 एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है, ऑन ट्रांसवर्सिंग, किसे ट्रांसवर्स करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म है बिना विदाउट एक्स वाली टर्म है उसे ट्रांसवर्स कर दो आप, तो ये हो गया 2/5। अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3/5 एक्स और ये 2/5 बन गया, ऐड किया मैंने क्या, और ध्यान रखो ऐड क्या करना है, 2 × x वाली टर्म को छोड़ दो, रिमेनिंग टर्म जो रहेगा उसके हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, किस तरह से ऐड करोगे, उसके स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो यहां पर भी मैंने स्क्वायर करके ऐड किया, वहां पर भी स्क्वायर करके ऐड किया, और आपको पता है कि इक्वल के अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम चीजें सेम वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3/5 × x + 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 + 3/5 होल स्क्वायर। एक्स माइनस 3/5 होल स्क्वायर बन जाएगा ये इस प्रॉपर्टी से, बिकॉज ये ऐसे तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab² × 3/5 स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3/5 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ इस वाली टर्म को, इस टोटल को ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2/5 9/25 5 मैंने यहां से 25 मैंने क्या लिया यहां से एलसीएम, तो ये कितना हो गया 10 + 9/25 और इसे सॉल्व कर लिया x − 3/5 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया x − 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25 था, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो ये क्या हो गया x − 3 हो गया ये तो, और यहाँ पर कुछ था नहीं तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया, तो ये रूट में क्या आ गया 19/25, तो 19/25 मीन्स रूट ऑफ 19/5।
यहाँ से पहले प्लस साइन हो फिर माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट किसी वैल्यू का फाइंड करते हैं तो एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस, तो यहाँ पे एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस। जब हमने प्लस लिया तो प्लस का 19/5 था, तो 19/5 इधर 3/5 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3+9 √19/5। और माइनस साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे तो नेगेटिव साइन लोगे, ये हो जाएगा। तो दो फैक्टर आ गए, फर्स्ट फैक्टर ये और सेकंड फैक्टर। तो इस तरह से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, बाय द स्क्वायर रूट मेथड से। आया समझ में? अब मैं आपको इसका बताता हूँ, सेवंथ वाला क्वेश्चन। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सेवन 4x² + 4bx - a² - b². देखो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, अब इससे बताता हूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 4 है, तो इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मुझे क्या बनाना है, 1, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये बन गया क्या बी एक्स, और ये बन गया माइनस का a² b² और अपॉन में 4=0। अब मुझे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग है, एक्स वाला पार्ट नहीं है, तो इसे कर लेती है ऑन ट्रांसवर्सिंग, a² - b² इसका क्या क्या ट्रांसवर्स किया अपॉन 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x² + bx, इधर आकर के ये हो गया a² - b² / 4 बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखो x² है, bx है, तो इसे होल स्क्वायर बनाना है। अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 वाला फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस x वाले कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 होता तो नहीं करते, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, तो ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, टू से ही मल्टीप्लाई करो, 2 से ही डिवाइड करो, तो x² + 2 × b/2x, ठीक है, = a² - b²। ये देखो स्टेप साइज के फिक्स, उसी तरह से हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, करोगे, मैंने कहा था 2 को छोड़ दो, x को छोड़ दो, जो बीच वाली वैल्यू है, जो अलग से वैल्यू है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो मतलब ऑन एडिंग b/2 बॉस का अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2 × b/2x + b/2 a² - b² / 4/4 + b² / 4। यही तो है, ठीक है, ये आप इसे इस तरह से लिख लो, क्या ऐड किया जिससे आपको पता चल जाए, सॉल्व नहीं किया, तो यहां से क्या बन गया एक्स, देखो ये वाला कंप्लीट, ये x + b/2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस आ रहा है, प्लस नहीं है, x + b/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस था, प्लस ओके, इक्वल टू ने क्या बना, a² / 4 - b² / 4 +
बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये बना यहां से बी स्क्वायर अपॉन फोर, बी स्क्वायर अपॉन फोर तो कट हो गया, बचा क्या, एक्स प्लस डी वाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर। अगर आप स्क्वायर रूट करोगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, बहुत साइड तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया, यहां से बना एक्स प्लस डी बाई टू और इधर बनेगा क्या, प्लस माइनस ए अपॉन टू। ये पता है ना, एक इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ए आ जाएगा और फोर का करोगे तो टू आ जाएगा, ठीक है। ऑन टेकिंग प्लस साइन पॉजिटिव है ना, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू इक्वल टू ए बाई टू, यहां से एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बाई टू माइनस बी बाई टू एंड दैट विल इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन। सिमिलरली नेगेटिव साइन लो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस बी बाई टू इक्वल टू माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा क्या, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू दैट विल इक्वल टू माइनस का कॉमन ए प्लस बी बाई टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है ठीक है यहां से, और एलसीएम टू था इसलिए ए प्लस टू, तो एक्स के टू रूट क्या हो गए, एक तो हो गए क्या ए माइनस बी बाई टू और एक हो गया माइनस ए प्लस बी बाई डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा आपको कि हमें किस तरह से प्रोसेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर वन हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू इज सेइंग दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अब आपको ये बताना है अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती हो तो बेटा कब एग्जिस्ट करेंगी कब नहीं करेंगी, पहले ये सुन लो, ये होता है डी, डी होता है डिटरमिनेंट, ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और इसकी वैल्यू रूट, अगर ये ग्रेटर दैन और लेस देन, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट, ये लिख लेना अपने लोगों में ठीक है, तो रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे ठीक है, एंड और क्या होंगे वो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इसका मतलब है डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या है, डिफरेंट। इसी तरह सेकंड कंडीशन बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है जिसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं, ये अगर लेस देन हो जाए तो एडजस्ट नहीं करेंगे ठीक है, रू विल नॉट एडजस्ट। मीन्स अगर यहां पर वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए ठीक है, इसकी इसकी अगर ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मीन्स रूट विल एडजस्ट
ठीक है, बट इक्वल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे एंड इक्वल एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे इक्वल होंगे। अब मैं इसकी कंडीशंस को एग्जांपल से बताता हूँ, क्वेश्चन से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, देख क्वेश्चन में था कि आपको फाइंड करना है रूट एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू से दैट फर्स्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे कंपेयर करेंगे जो इसकी मेन इक्वेशन होती है उससे। ठीक है, तो इसकी मेन इक्वेशन से आप इसे कंपेयर करो, कौन सी वाली इक्वेशन होती है मेन इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है। ठीक है, कंपेयरिंग बाय जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल बोलते हैं इसे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, वो लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर टू, बी की वैल्यू क्या हो गई, यहां से बी की वैल्यू क्या हो गई टू रूट टू माइनस का टू रूट टू, ये ध्यान रखना विद साइन यूज करोगे सी इक्वल टू वन। ठीक है, अब पहले उसने कहा कि इसके रूट एडजस्ट करते हैं या नहीं करते चेक करना है। ठीक है, सो डी इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, अरे फॉर्मूला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रूट फाइंड करने का। तो इस फॉर्मूले में जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, यही डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पुट कर दो वैल्यूज, तो यहां से डी क्या हो जाएगा, बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस का टू रूट टू, ए की वैल्यू क्या है टू और सी की वैल्यू क्या है वन, ये टू रूट टू कितना हो गया टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, तो ये हो गया ए, और माइनस को सॉल्व हो जाएगा माइनस फोर ए सी क्या हो गया ए, ये आ गया जीरो, एट माइनस एट जीरो, डी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स रूट विल एडजस्ट एंड इक्वल, तो रूट बी एडजस्ट एंड बोथ इक्वल। ये समझ में आया, अब देखो इसका रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड किससे करें, एक मेथड तो ये कि हम इसे स्प्लिटिंग टर्म मेथड से करें, सेकंड मेथड ये कि हम इसे स्क्वायर रूट मेथड से करें, और थर्ड मेथड क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आपको पता चल जाएगा यहां से माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस ऑफ टू रूट टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस टू रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए, ए की वैल्यू क्या है यहां पर टू और सी की वैल्यू क्या है वन अपॉन में टू इंटू टू, तो आंसर क्या आएगा यहां से एक्स इक्वल टू, यहां से ये हो गया प्लस का टू रूट टू और ये हो गया प्लस माइनस जीरो, ये हो गया प्लस फोर,
ये क्या हो गया, फोर हो गया, क्या हो गया, फोर हो गया। अब यहां से देखो क्या काम, एक्स इक्वल टू टू रूट टू प्लस माइनस जीरो अपॉन फोर। तो यहां से देखो इस प्लस माइनस जीरो से कोई इंपैक्ट होगा क्या, कोई नहीं होगा, ठीक है। एक बार सब टक करो, एक बार ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। तो जो दोनों रूट रहेंगे वो यही तो रहेंगे, तो पर मैं इसे लिख देता हूँ प्लस माइनस जीरो रहेगा। अब यहाँ पर इसे डिवाइड करोगे तो ये टू आ जाएगा, तो ये क्या बना, वन अपॉन रूट टू प्लस माइनस जीरो। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन रूट टू। टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर आप नेगेटिव साइन यूज करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, तब भी रूट टू है, क्योंकि प्लस जीरो और माइनस जीरो से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसे फिर से आप एक बार देखना, रिवाइज करना, तब जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट।